सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो चलिए आज हम बात करेंगे यहाँ बैंक निफ्टी के एनालिसिस की कि कल कैसा बैंक निफ्टी परफॉर्म कर सकता है और आज कैसा बैंक निफ्टी परफॉर्म किया। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा है नॉर्मल कैंडल एंड और आप देखेंगे कल मार्केट ने कितना अच्छा यहाँ से मूव दिया था हमें और आज मार्केट यहाँ से एक निगेटिव प्राइस एक्शन बनाया और यहाँ से मार्केट ने फॉल लिया। सो चलिए अब हम देखते हैं अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग कि हमारी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग कहाँ लेने लायक था। देखिए बहुत सारे लोगों को ना ये कैंडल समझ में नहीं आता, बहुत जो प्रो होते हैं उनको पता है कि हाँ कौन से कैंडल में घुसना है, कहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही हैं, कहाँ पे क्या चल रहा है, हैमर क्या है, शूटिंग स्टार क्या है। तो बहुत सारे इसमें आपको समय लग जाएगा और धीरे धीरे एक्सपीरियंस से ये सारी चीज़ें भी आएंगी। सो हम तो रहे इंडिकेटर वाले कि हमें इंडिकेटर बेस पे है, हमारा इंडिकेटर अगर आया तो हम लेंगे, इंडिकेटर ने बताया स्ट्रैटेजी हमारी फॉलो करी लेंगे, वरना हम नहीं लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हर एक ट्रेडर देखता है कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड चल कैसा रहा है। तो ट्रेंड के लिए आपको सिंपल है, या तो आप लाइन ड्रॉ कीजिए, सिंपल सी बात है। जैसे ही आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको ट्रेंड का पता चलेगा। अगर आप प्रो हैं, ये लाइन ड्रॉ कीजिए, देखिए यहाँ पे है कि एक मूवमेंट यहाँ हुआ, एक यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आ सकता है और ऐसे ड्रॉ कीजिए। हो सकता है यहाँ छूटे तो यहाँ से मार्केट नीचे आए और यहाँ से यहाँ तक जाए और ये से ऊपर आए। तो ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप इस तरीके से ड्रॉ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हमें ये नहीं आता, हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, उनको ये नहीं पता, तो कैसे वो समझेंगे। तो मैंने आपको सिंपल चीज़ बताया था कि आपके पास, हमारे पास हर चीज़ के लिए बहुत सारे टूल अवेलेबल है। तो आप देखिए यहाँ पे एक इंडिकेटर है जो मैं यूज़ करता हूँ, लीनियर रिग्रेशन। पिछले 100 कैंडल का क्या ट्रेंड है वो आपको बता देता है, 100 कैंडल क्या ट्रेंड है। अगर एक दिन के चार्ट में देख रहे हैं तो पिछले 100 दिन का आपको ट्रेंड पता चल जाएगा, ठीक है। तो ट्रेंड पता चल गया, तो चलिए अब हम लगा लेते हैं लीनियर रिग्रेशन लगा लिए। तो आप देखिए पिछले 100 कैंडल का आपके पास, यहाँ आपके पास डेटा आ गया कि पिछले 100 कैंडल में ये हमारा क्या है, अपवर्ड है। तो मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है, फिर यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा, तो हमें पता चल गया कि ये डायरेक्शन अपवर्ड है। अब हमें पता करना है इसमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ है। हर एक ट्रेडर ये देखता है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के क्या कर सकते हैं, डिमांड जोन और सप्लाई जोन भी उसको बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे डिमांड होगा, यहाँ पे सप्लाई होगा। तो चलिए हम यहाँ पिवोट लगा लेते हैं। तो पिवोट लग गया, तो अब देखिए ये आपका हो गया डिमांड जोन कि यहाँ पे आएगा तो एक डिमांड होगा, यहाँ हो गया सप्लाई जोन, यहाँ पे आएगा तो भाई सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया। तो डिमांड और सप्लाई जोन इसको हम कह सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि हाँ अब यहाँ से गिरेगा तो ये अपने पिवोट पे आएगा, 45,233 का टारगेट है। अगर इसको तोड़ता है, इसको सपोर्ट नहीं करता है तो आपके पास 44,911 को आएगा। अब आप यहाँ देखिए 44,911 पे एक सपोर्ट है और एक इस ट्रेंड लाइन का, पिछले 100 दिन के ट्रेंड लाइन का, 100 कैंडल के ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। तो अगर यहाँ से फॉल हुआ तो यहाँ आएगा, यहाँ से फॉल हुआ तो यहाँ भी आ सकता है, नो डाउट। अब इसको कन्फर्म करने के लिए यहाँ क्या ये यहाँ पे भी आ सकता है, 44,900 पे भी आ सकता है, तो कन्फर्म करने के लिए हम लगा लेते हैं मूविंग एवरेज। तो ये रहा हमारा मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज बेसिकली आपको लगाना है ये देखने के लिए कि मार्केट में स्ट्रेंथ क्या है, तो आपको यहाँ से स्ट्रेंथ पता चल जाएगा। तो मूविंग एवरेज हम यहाँ पर लगा रहे हैं, देखिए हमारा यहाँ लग गया है मूविंग एवरेज, ये रहा बैंक निफ्टी एंड आप देखिए यहाँ ये जो है ये 20 का मूविंग एवरेज है, ये जो है ये हमारा 50 का मूविंग एवरेज है। तो अब आप देखिए ये 50 के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, हो सकता है इस पे सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए या हो सकता है इसको सपोर्ट लेके नीचे चला आए। तो दो कंडीशन हमारे पास बनते हैं, जहाँ भी ब्रेकआउट होगा, मान लीजिए नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो हमें जस्ट इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रख के कंटिन्यू करना और यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर ये ऊपर जाता है तो बस हमें यहाँ का स्टॉप लॉस रखना है और प्रॉफिट हमें बुक कर लेना है। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि
कि दो कंडीशन हो सकता है, हमेशा दो सिचुएशन लेके चलिए, किसी भी ट्रेडर को देखिए दो सिचुएशन लेके चलता है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है, यहाँ नीचे की तरफ आता है, तो जस्ट इसका ऊपर वाला हमारा एसएल हो जाएगा और हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो ये हमारा एसएल होगा और पहला प्रॉफिट बुकिंग यहाँ होगा, दूसरा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ होगा, ये होगा दो कंडीशन। अब आप देखिए पिछले बार मार्केट कैसे परफॉर्म किया, तो है क्या 20 ऊपर 50 नीचे, यानी हमारा एक दोनों ने सपोर्ट किया, अपने ट्रेंड लाइन पे था, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, ये हमारा स्टॉप लॉस होता और ये हमारा टारगेट है। तो देखिए कितना ब्यूटीफुली मार्केट ने परफॉर्म किया, तो इस तरीके से हमें करना है। अब कल कैसे मार्केट परफॉर्म कर सकता है, तो कल मैंने आपको बता दिया ये ऊपर भी जाने के लिए है, नीचे भी आने के लिए है। तो अगर और सिंप्लीफाई करना है तो आप इस कैंडल को चेंज कर दीजिए हेकानाशी। तो देखिए ये कैंडल हो गया हमारा हेकानाशी। अब जैसे ही हेकानाशी का तीन लगातार ग्रीन कैंडल बनता है, अब यहाँ देखिए 1 2 3 यहाँ आपको एंटर कर जाइए, क्योंकि हमारा सारा कंडीशन मैच कर रहा है, 20 ऊपर है 50 नीचे है और ऑलरेडी ट्रेंड भी पॉजिटिव है, तो हमारा ईएमए भी शो कर रहा है अप ट्रेंड में है, पिछले 100 दिन से भी ये अप ट्रेंड में है, पिछले 100 कैंडल भी अप ट्रेंड में है। तीन ग्रीन कैंडल बन गया हेकानाशी का, तो हमें यहाँ घुस जाना और हेकानाशी का जस्ट नेक्स्ट कैंडल या उसका दो कैंडल बाद का यहाँ का ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। सेम चीज़ आपको अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, दो ग्रीन कैंडल, तीन ग्रीन कैंडल दिखता है तो आपको तीसरे पे घुस जाना है, इस पे ऐसा लगा लेना है और टारगेट आपका 45,900। अब देखिए यहाँ पे इसको क्रॉस करना, इस सपोर्ट को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, सो 45,581 को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, इसको तोड़ेगा तो यहाँ जाएगा 45, यानी हम एक नया हाई देखेंगे 46,000 का। सो होप आपको यह एनालिसिस पसंद आया होगा और ये सिंपलेस्ट एनालिसिस है, यही एक तरीका है। अगर आपको कैंडल के बारे में नहीं पता, मार्केट के बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो इस हिसाब से आप एक छोटा एसएल रख के अपना ट्रेड ले सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब और चैनल। देखिए आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और बेहतर कर सकें, हम भी सीख रहे हैं और आपको भी सिखा रहे हैं। थैंक यू।